हेलो हेलो फ्रेंड्स, जय फ्रेंड्स, श्री जय कृष्णा, श्री कृष्णा, राधे राधे राधे। राधे। तो आज हम 5 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए मोर पंख की ड्रेस बनाना सिखाएंगे। पैटर्न बहुत ही इजी है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने इसमें चोली बनाना नहीं सिखाया है क्योंकि उसका वीडियो आपको कहीं से भी मिल जाएगा। तो हम मेन पैटर्न जो है मोर पंख का, तो वो सिखाएंगे। तो उसके लिए आपको 4 कलर की वूल लेनी है। तो ये देखिए, मैंने 4 कलर की वूल ले ली है, ग्रीन, स्काई ब्लू, नेवी ब्लू, येलो। तो पहले हम ब्लू कलर से स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो ब्लू कलर से स्टार्ट करते हैं। आपको एक नॉट बनानी है क्रोशिया से। अब उसमें 3 चेन बनाएंगे। देखिए, इस तरह से एक नॉट लगाइए, 1, 2, 3। ये देखिए, 3 चेन है। अब हमें लास्ट वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाना है। लास्ट वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3। इस तरीके से हमें उसी सेम चेन में 5 ब्लू कलर से डबल क्रोशिया बनाने हैं। 5 बार बनाएंगे। 3, अरे थोड़ा सा धागा फंस गया है। ये देखिए, ये मैंने बना लिया है। अब हम इसमें पीकॉक ब्लू कलर की वूल लगाएंगे, इसको ऐड करेंगे, और सेम होल में 9 टाइम्स 9 टाइम्स ये ब्लू वाला जो है ब्लू कलर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, पीकॉक ब्लू कलर से। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इसको मैं ऐड कर लेती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1, 1 डबल क्रोशिया, 2, 9 बार इसी तरीके से बनाएंगे, 3, 4। चलिए मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए, हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसको काउंट कर लेते हैं एक बार। 8 8 है यहाँ पे। एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये कंप्लीट, 9। अब इसको स्लिप स्टिच से ऐड कर देंगे। इसको जॉइंट कर देंगे इस तरीके से। तो अब हम इसमें लगाएंगे, इस तरीके से कुछ बनेगा। और अब हमें यहाँ पे येलो कलर की वूल चाहिए। देख लीजिए, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। और अब हम येलो कलर की वूल का यूज़ करेंगे। देखिए इस तरीके से। चलिए ऐड कर लेते हैं इसको। अब हमको सिंगल क्रोशिया बनाना है। अभी तक हम लोग डबल क्रोशिया बना रहे थे, अब हम लोग सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया और उसके अगली वाली में 1 बार, एक एक छोड़ के। देखिए इस तरह से, इसमें हमने एक बनाया है। अब नेक्स्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ऐसे 1, 2। अब इसकी अगली वाली चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से, 1। इसी तरह से हमको पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है।
ये देखिए हमने पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ये कुछ इस तरह से दिखेगा, देखिए इस तरह से लगेगा देखने में। अब हम ग्रीन कलर की वूल लेंगे, अब इसको जॉइंट करेंगे। इसको जॉइंट करते हैं। अब यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जितना हम लोगों ने लाइट ब्लू कलर का जो लिया है, 5 क्रोशिया हम लोगों ने डबल क्रोशिया बनाए थे, उतने में हमको सिंगल क्रोशिया ही बनाना है ग्रीन कलर से। देखिए इस तरह से, उतने पूरे पोर्शन में कुछ इस तरह से, देखिए 1, हर उसमें एक एक बनाएंगे, हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया ऐसे कंप्लीट करेंगे इस तरह से ब्लू कलर तक। ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, देखिए इस तरह से ये लास्ट एक और बनेगा अभी यहाँ पे। ये देखिए हम लोगों ने ऐसे कंप्लीट कर लिया है, ऐसे बनेगा। और अब यहाँ से आपका मोरपंख का डिज़ाइन स्टार्ट होगा, जो हम लोगों ने डार्क ब्लू कलर का बनाया था वहाँ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंगल एक डबल क्रोशिया बनाएंगे ये चेन में, इसके बाद फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसी में एक और डबल क्रोशिया, यानी कि 2 बार डबल क्रोशिया इस चेन में बनेगा। उसके बाद ऐसे डबल क्रोशिया बनेगा यहाँ पे, देखिए इस तरह से 2 लपेटे देके डबल क्रोशिया बनेगा। ये थोड़ा सा यहाँ पे दिख नहीं रहा है, पर आपको 2 बार ऊन को लपेटा देना है और उसके बाद बनाना है। सेम इसमें फिर से 2 बार लपेटे देके इस तरीके से कुछ बनेगा, जौ की तरह से बनता चला जाएगा। फिर उसके बाद फिर 2 बार लपेटा देंगे, फिर बनाएंगे जैसे 1 2। अब इस वाले में 3 बार लपेटा देके बनाएंगे, ऊन को 3 बार क्रोशिए पे घुमाएंगे और तब बनाएंगे। क्योंकि जब इस तरह से बनाएंगे तो छोटी बड़ी और फिर उससे बड़ी बनती चली जाएंगी, तो इसी से मोरपंख का शेप आएगा। तो देखिए फिर से 3 बार उस पर ऊन को लपेटेंगे, फिर बनाएंगे इस तरीके से 1 2 3। एक ही उसमें 3 बार निकलेगा, ट्रिपल क्रोशिया बनेगा एक ही में, फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3। अब यहाँ पे बनेगा ऊन को 3 बार लपेटेंगे तो इसमें 4 क्रोशिया बनेगा। देखिए 3 बार ऊन को क्रोशिए पे लपेटा, फिर देखिए 1 2 3 4। इसी तरीके से एक और इसमें फिर से बनाएंगे और इसके बाद घटना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे हम लोग वहाँ से धीरे धीरे बढ़ाते चले आए हैं, वैसे ही अब यहाँ से घटेगा। देखिए इस तरह के से 3 लपेटे देंगे और फिर ये ऐसे 1 2
तीन और ये चार। अब यहाँ पे तीन बार, एक दो तीन, देखिए इस तरह से। और फिर नेक्स्ट चेन में फिर से ये चार वाला क्रोशिया बनेगा और एक चेन में दो बनेंगे, एक दो तीन चार पाँच, ठीक। इसी तरीके से बनाना है आपको, सेम प्रोसेस है ये, फिर से उसी में। देखिए इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर आपको समझ में नहीं भी आ रहा है तो आप देख के जैसे बन रहा है वैसे ही देख के अगर बनाएंगे तो एक मोरपंख बना लेंगे, उसके बाद इजीली आप पूरा बना के रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसा बना है एक बनेगा तो उसके बाद सब समझ में आ जाएगा। ये देखिए इसमें जैसे बन रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब टफ नहीं है। अगर आप बनाएंगे तो एक मोरपंख बना के रख लीजिए, फिर उसको देख के उसके बाद वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं है, आप अपने आप बना सकते हैं। और ये बनने के बाद ड्रेस बहुत ही सुंदर लगती है, बहुत ही सुंदर। तो अब हम लोगों ने यहाँ तक फंदे बढ़ाए थे और अब यहाँ से फंदे घटेंगे धीरे धीरे करके। देखिए अभी ये तीन लपेटे और इसमें और चार बार क्रोशिया, एक उसमें मतलब चार क्रोशिया बनेगा और उसके बाद धीरे धीरे फंदे घटते चले जाएंगे। देखिए दो तीन और एक चार, ये हो गया। अब इसी में एक बार और बनाएंगे सेम चेन में चार का क्रोशिया, एक दो तीन चार। अब जो है अब हमको तीन बार लपेटा देना है, अभी तक हम लोगों ने दो में चार बार दिया है, अब तीन बार लपेटा देंगे, उसके बाद फिर दो बार और फिर अपना डबल क्रोशिया आ जाएगा। एक बार और बनाएंगे इसमें ट्रिपल क्रोशिया, एक दो तीन चार, ये बना के कंप्लीट किया है। अब हमको दो बार तीन बार फिर से लपेटा इसमें बनेगा, ये कुछ इस तरह से बनता चला जाएगा। साथ ही साथ आप देखते भी जाएंगे क्योंकि पता चलने लगता है जब आप आधा मोरपंख कंप्लीट कर लेंगे तो खुद ही पता चलने लगता है कि बन रहा है या नहीं बन रहा है। इस पर दो बार लपेटा देंगे इस वाले में, ये देखिए बन गया, यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बनेगा। ये यहाँ पे डबल क्रोशिया, जब हम लोग ब्लू वाला पोर्शन स्टार्ट करते हैं पीकॉक ब्लू कलर का, जहाँ से हमने स्टार्ट किया है वहाँ से हर चेन में दो बार ही हम लोगों ने बनाया है।
तो अब ये यहाँ पर डबल क्रोशिया बन गया। अब यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ये इस तरह से सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये रहा हमारा सिंगल क्रोशिया, फिर से उसी के पास से उसी में सिंगल क्रोशिया, अब इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद इसको यहाँ पे जॉइंट कर देंगे। ये कुछ इस तरह से बन गया है, देखिए मोर पंख हमारा तैयार हो गया है। धागा काट दीजिएगा, उसके बाद इस तरीके के आपको 12 मोर पंख बनाने हैं। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, मुश्किल से आपको एक मोर पंख बनाने में 20 मिनट तक लगेंगे, 20 से 25 मिनट लगते हैं। और जब ये ड्रेस बनती है तो बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगती है, आपने देखी। और इनको ऐसे रखेंगे, रखने के बाद सुई से जोड़ना है, हमको टांक देंगे। तो देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। मैंने ड्रेस के साथ उसकी पगड़ी और पटका पजामी ये पूरा सेट बनाया है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आशा करते हैं कि आपको ये ड्रेस पसंद आई होगी। बाय बाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।